जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी एक अखंड सत्ता स्वरूप है, यही मैं हूँ। अनंत काल बीता, अनंत रातें बीती, अनंत दिन बीते, अनंत जीवन बीता। फिर भी जो कहीं न बीता और जो सदाकाल सत्ता स्वरूप है, यह सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। यदि आज की रात मेरे जीवन की आखिरी रात हो, तो मैं क्या करूं? आज की रात आखिरी रात सबसे पहले मृत्यु से पहले ही मृत्यु
देह के अनंत परमाणुओं में, ज्ञान गया नहीं, मिला ही नहीं। परमाणु परमाणु की जड़ता में से मेरे निकट आए बिना परमाणु परमाणु के स्वभाव में ही निरंतर परिणमित हो रहे हैं। यदि आज की रात आखिरी रात है, तो भी मुझे मंजूर है। इस ध्रुव सत्ता के जोर से कि जिस ध्रुव सत्ता में न रात है न दिन है, रात है सूर्य प्रकाश का अभाव है, दिन है तो सूर्य प्रकाश का सद्भाव है। मगर सूर्य के प्रकाश से या फिर सूर्य के अभाव से यह जो ज्ञान की निरंतर नित्य जानन धारा चल रही है, यह जानन धारा समस्त परद्रव्यों से अप्रभावित बिल्कुल ऐसा अनुभव कर। आज की रात यदि आखिरी रात है, यदि चोर को कहे कि तुझे फांसी होगी, तो मीठे भोजन सुखरूप नहीं लगते। फिर इंद्रियों के विषय दृष्टि का विषय नहीं बनते। मगर सबसे पहले ये बोध हो, क्षणिक का बोध, ये जो परमाणु परमाणु के स्वभाव के अनुरूप ही परिणमित हो रहे हैं। यहां से निकलने की बात ही नहीं, अंदर में ये ज्ञान को अनुभव कर। जैसे जैसे ये ज्ञान का जोर आता है ना, ना जस्ट फील इट, जस्ट फील, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट, उसे अनुभव कर। ज्ञान
ज्ञान परिणमन नहीं हो। अभी ये सुना जैसे ज्ञान स्वरूप मैं हूं, तो उसमें वो जो जानना ज्ञान स्वरूप मैं हूं, यह जानना ज्ञान स्वरूप मैं हूं, यह जानना, ये धारा जो चलती है उसमें मात्र ज्ञान को फील करना, तभी ये परमाणु से एक समय में जैसे बिल्कुल निकल गया यहां से। पानी का गिलास जैसे भरा हो ना, उसको निकलने में भी, गिरा तो पानी खाली हो गया, उसमें भी थोड़ा टाइम लगा। अभी वह टेढ़ा गिरा, अभी वह थोड़ा पानी टेबल पे रह गया, थोड़ा नीचे गया, उस पर थोड़ा तो टाइम रह गया, यहाँ तो एक समय और गिलास खाली हो गया। गिलास माने ये देह, पानी माने ये न्यायक चैतन्य भगवान। तो ऐसे ही जस्ट फील, जब वो ज्ञान को फील करता है ना, ज्ञान, तब ज्ञान तो पता ही नहीं चलेगा। इसका पता ही नहीं चलेगा, देह छूटा, ऐसा थैली में जैसे जो माल पकड़ के रखा है, मुट्ठी में हीरे को पकड़ के रखा है, अगर हाथ थैली के अंदर है, वो थैली के अंदर, और उसमें हीरे को पकड़ के रखा है, दुनिया को तो दिखाएगा कि थैली में हाथ डाला है, दुनिया को ये नहीं दिखाई देता, मगर उस समय किसी ने जोर से थैली को खींचा, तो खींचे थैली दूसरे के हाथ में चली गई, और वो जो हीरा था ना, वो तेरी मुट्ठी में ही रह गया, थैली अकेली खाली गई, खींच ली किसने, मगर हीरा मुट्ठी में रह गया। और तू रोया भी नहीं, दुखी नहीं हुआ, मगर फिर जांच की, दुनिया को नहीं देखा, मगर तुझे पता चला कि बस हीरा मुट्ठी में है। ऐसे ही वो जो ज्ञान, ऐसा जब फील करने को कहता हूं ज्ञान, उस समय ऐसा ध्रुव का जोर आ जाता है कि फिर प्रकृति ऐसी थैली को छीन लेती है तो भी कुछ नहीं होता। आज की रात आखिरी रात जैसा लगता ही नहीं, आखिरी बार थैली मेरे पास में रही। कौन ये भगवान विचार करेगा, ये तो ऐसा कि बस हीरा अपने हाथ में रह गया। ज्ञान का जो अनुभव हो रहा है ना,
ये ज्ञान मुट्ठी में जो हीरा आ गया तो दूसरे लोगों को दिखेगा ही नहीं, दूसरे को तो यही दिखेगा कि मुट्ठी बंद है, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। तुझे ही ये पता है कि हीरा हाथ में है। वो ज्ञान का ऐसा अनुभव, ज्ञान ज्ञान अनुभव में आता है, और जिन जिन प्रदेशों पर अनुभव में आता है यहाँ देह के अनंत परमाणु में से किसी भी परमाणु का सद्भाव नहीं है, ऐसा यह ज्ञान 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 जब सत्ता स्वरूप ज्ञान की आदि नहीं है, सत्ता स्वरूप ज्ञान का अंत नहीं है, मात्र सत्ता है, और ये जो सत्ता है इस सत्ता मात्र का अनुभव दो का संयोग है ना, तो ऐसा लगता है शरीर छूट गया, आत्मा देह में से निकल गया, यदि पात्र में पानी है तो ऐसा लगेगा कि पात्र में से पानी निकल गया, मगर पात्र ही नहीं है, दो नहीं है, पानी और पात्र ऐसा दो नहीं है। मात्र पानी है, तो पानी की सभी अवस्था में अंत दिखता ही नहीं है, मात्र पानी की शीतलता 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 शीतलता। जैसे पानी को छुआ ना तो कैसे शीतलता शीतलता,
अकेला पानी है, तो विकल्प ही नहीं आता कि पानी पात्र में से बाहर आया, दूसरा तो कोई है नहीं, पात्र है ही नहीं। ऐसे ही इतनी गहराई में, अंदर में, स्वभाव में, ज्ञान, ऐसा मात्र ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। तो देह का पात्र ही जब नहीं रहता, तो फिर वहां देह में से बाहर निकला ऐसा मृत्यु जैसा रहता ही नहीं है, मात्र अनुभूति रहती है भगवान। मात्र अनुभूति। और जैसे ही ये ज्ञान पानी की जैसे स्पर्श ना हो ना, पानी को जैसे ही अंदर से ऐसे पानी में हाथ डाला और पानी को जैसे छुआ, तो कैसा होता है उस समय? विकल्प ही नहीं आता ना, चांदी का पात्र, सोने का पात्र, ये विकल्प नहीं आता है। तो ऐसे ही मात्र ज्ञान, ऐसा जैसे ही अनुभव हुआ, मात्र ज्ञान, उस व्यक्ति के बारे में जैसे विचार कर जिसके हाथ नहीं है, तो कैसा लगता है? पैर नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, तो अपने को ऐसा फील कर दो, जस्ट फील इट। हाथ नहीं है, मात्र ज्ञान है। पैर नहीं है, मात्र ज्ञान है। कान नहीं है, मात्र ज्ञान है। फिर धीरे 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 सब परमाणु ही हूँ, जस्ट फील इट, कि परमाणु है ही नहीं, परमाणु है ही नहीं, मात्र ज्ञान है, मात्र ज्ञान। और वहां पर जैसे ही पानी में हाथ डाला मैं, तो पानी को कुछ भी नहीं पता कि कौन मुझे छू रहा है, मगर हाथ में पता चला, अनुभव हुआ नहीं। ऐसे ही ज्ञान की जो अवस्था है, उसमें जो अनुभव होता है, ऐसा अनुभव कि यही ज्ञान, 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 ज्ञान उस अवस्था में ही अनुभव होता है। सत्ता में नहीं होता है ज्ञान, ऐसा अनुभव। मगर जैसे ऐसा ही हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ऐसा उस लोक में ऐसा ही है। न्याय 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 न्याय, ऐसा है। युद्ध के मैदान में जैसे कोई व्यक्ति कैसा हो, निहत्था हो ना, कोई हथियार नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, और वह व्यक्ति कैसा है भगवान? ऐसे ही कि हम तो अहिंसावादी है ना भगवान, अहिंसावादी हथियार नहीं लेते, हथियार को अपने पास में रखना, उठाना, ये शोभा नहीं देता था।
जिस समय तुझे एहसास हो कि मैं ऐसा ज्ञान स्वरूप हूं जो आंख के हथियार को, कान के हथियार को, जीभ के हथियार को, फिर ये बाल, नाखून, हाथ पैर, ये शरीर के पूरे अनंत परमाणु हथियार को अपने पास में, अहिंसा उसका नाम है, कि मात्र ज्ञान ही अनुभव में आया और हथियार नहीं रखा परमात्मा ने, ऐसा इंद्रियों को अपने पास में रखता ही नहीं, ऐसा यू जस्ट फील इट, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है। उस मौन में हो, उस परलोक में भी, बस उसमें ऐसा चोर आएगा तुझे, बस भगवान, ये त्रिलोक्यनाथ परमात्मा, मात्र ज्ञान। हो मात्र ज्ञान, मैं तो युद्ध नहीं करता, हथियार, तलवार, बंदूक, अणु बम, ये सब हम नहीं रखते भगवान, हम तो जैन लोग हैं ना, जैन लोग हैं, जैन है ना, जैन हथियार हाथ में नहीं उठाते। जिस समय तुझे एहसास हो, जस्ट फील इट, ज्ञान ही है, कोई कहे ना तेरी 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 आंखें हैं, मैं बिना आंख का हूं भगवान, तुझे काम नहीं है, ज्ञान की अनुभूति हो रही है, अनुभूति कान के साथ में नहीं होती है भगवान, अनुभूति आंख के साथ में नहीं होती है भगवान, अनुभूति पैरों में नहीं होती है, ज्ञान में हुई, हाथ में, पेट में, पीठ में, ये शरीर के सभी अंग में, ये कहीं पर भी अनुभूति नहीं है, अंग में अनुभूति नहीं है, तो अनुभूति को ही बस अपने में ही, अपने में ही, अपने में ही, तूने ऐसा अपने को बस ऐसे अनुभूति में ही तूने सिमंदर में, सिमंदर में, सिमंदर में अनुभव किया, बस कोई कहे ना भरत भरत भरत, ये सिमंदर परमात्मा, ओ हो, ये सिमंदर परमात्मा, आप भरत क्षेत्र में कब जाओगे? अरे सिमंदर तो अपनी सीमा में सीमित है, ऐसे ही अंतर में है कि जो चैतन्य 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 अनुभूति की सीमा में सीमित है, तब तेरी रात आखिरी कहाँ रही है भगवान? ओ हो, तू बचपन से ही निर्धन है, तू बचपन से ही निर्धन है, तू बचपन से ही निहत्था है, तेरे हाथ में हथकड़ी आई ही नहीं है, और यदि कोई तुझे पूछे कि कब जेल से बाहर निकला, हथकड़ी, हथकड़ी की बात ही आते ही, हथकड़ी कब छूटी, हथकड़ी ऐसा हो तो यू जस्ट फील, अरे भगवान मृत्यु होगी, ये आँख कान नाक, ये पूरा देह, ऐसा अनमोल देह महापुण्य के उदय से मिला देह,
भगवान ज्ञान की जो अनुभूति है उसका उदय नहीं है, उसका उदय थोड़ी है, उदय उदय का है, उससे देह मिलता है। न्यायक 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 न्यायक, जो धन खर्चेगा उसको माल मिलेगा, इतना तो वफादार हो जाए भगवान, तो तेरा धन खर्चता नहीं है, वो जड़ कर्म का उदय, वो खर्च करता है, वो उदय में आता है। तो उदय 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 के बदले में उस ध्रुव को कैसे मिलेगा जिस ध्रुव ने अपना कुछ भी खर्च नहीं किया? तो उदय के बदले में तो आंख मिल जाएगी ना, मगर आत्मा को थोड़ी मिलेगी, क्योंकि आत्मा ने तो अपनी जेब में से कुछ निकाला नहीं, जेब में से नहीं निकाला अर्थात ज्ञान नहीं निकाला, दर्शन नहीं निकाला, अपने गुणों को एक गुण को भी अंदर से खाली नहीं हुआ। तो इतनी ईमानदारी आ जाए भगवान कि ये इंद्रिया मेरी नहीं है, और जिसको मैंने अपने घर में से तो तलवार चाकू हथियार अणु बम परमाणु बम न्यूक्लियर बम हाइड्रोजन बम ये सब बम जो है ना, उसको उस बम को कब छोड़ देगा? अरे भगवान मुझे नहीं पता, तुम जा करके मेरे घर में चार्ज कर लो, मेरे घर में जाकर चार्ज करो, कहीं पर भी मिले तो मुझे बताना, मैं अपराधी तब हूं भगवान, मेरे घर में जाके देखो मैंने कोई हथियार नहीं रखा। तो यू जस्ट फील कि तेरे घर के अंदर ज्ञान 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 भरा है, पर हथियार है ही नहीं, एक भी परमाणु तेरे पास नहीं है। ओ हो, ऐसा पूरी पूरी तरह से भरपूर ये, पर निर्भय कौन रह सकता है भगवान? अपराधी को डर लगेगा, जा करके कोई देख लेगा, घर में चार्ज करेगा, पुलिस देखेगी तो चोर पकड़ा जाएगा, तो भय लगेगा उसको भगवान, भय उसको लगता है जिसने अपने घर में माल भर के रखा है। मगर मैंने अपने पास में कुछ नहीं रखा भगवान, ऐसा मैं भगवान हूँ। ओहो, ज्ञान ही ज्ञान भरा है मेरे घर में बस। ओहो, पुलिस अंदर गई, घर में देखा, तो घर में जा करके भगवान देखा ना तो कुछ नहीं मिला, तो मिला मगर मिला तो क्या मिला मालूम है? मिला तो घर के अंदर खाली जगह मिली। पुलिस ने पूछा, ये खाली जगह कहाँ से लाया? कि भगवान ये खाली जगह कहाँ से लाया, ये तो है थी रहेगी, इसमें मैं क्या करूं? ऐसे ही अंदर जाके देखेगा तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान था ज्ञान है ज्ञान रहेगा, मगर यहाँ हथियार नहीं मिले, यहाँ तो ज्ञान 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 ही मिला। और तूने खोजा, कोई दूसरा खोजने नहीं आया भगवान, तूने ही अपने को निर्दोष सिद्ध कर दिया, मगर अंदर जाकर के देखा तो ऐसा अंदर का पूरी तरह से जब तू पूरा भर जाएगा ना तो ये ध्रुव ध्रुव तेरे रोम रोम तुझे आप जैसा लगेगा कि अरे भगवान मैं कोई ऐसा अपराधी थोड़ी हूं जहां पर परमाणु रखू ऐसा ज्ञान। फिर तेरे वहां पर ऐसे देखेगा नहीं, तेरा को अभी मानो तेरा ध्यान गया नहीं कि अरे ये तो हाथ तो पड़ा है, हाथ पड़ा है नहीं, मगर विकल्प नहीं आया, विकल्प नहीं है, उसका लक्ष्य ही अलग था ना भगवान, लक्ष्य अलग था पूरी तरह से, ऐसा भगवान 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 ये भगवान ऐसा पूरी तरह से। अनुभूति का मतलब पता है तुमको? है अनुभूति का मतलब पता है? अनुभूति मात्र आज की रात आखिरी रात है मेरी,
मैं निकल ही गया, चला गया यहां से, मगर कहां चला गया, कौन चला गया? मैं तो यही रहा, उसे खोजने के लिए निकल गया। घर में जाकर जांच कर ली कि क्या पड़ा है, लाओ देख लेता हूं घर में, तो पाया कि खाली जगह है। जोर से पूछा, कहां से लाया ये खाली जगह? रे साहब, ये खाली जगह यहां थी, यहां है, रहेगी, मैंने तो कहीं उसे पकड़ के लाया नहीं है। ऐसे ही अंदर में खोजा तो ज्ञान को पाया। कहां से लाया ये ज्ञान कि ये तो हो, निगोद से लेकर के सिद्ध पर्यंत ये जो सत्ता तो है, इसमें लाया कहां से? यस तेरे, तू है ना पूरी तरह से ऐसे, यहां से तेरा हो, एक ध्रुव रहेगा और कुछ नहीं, पर उसको तू ही ज्ञान दीपक, तू नाच ले भगवान इस ध्रुवता में। ध्रुव 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 हो, ऐसा है। ओह, इसका इतना ऐसा है, भाव इतना सूक्ष्म भाव है, जो जाके देखे उसको ही भगवान पता चलेगा। घर में जाकर के देखा तो ज्ञान ही ज्ञान पाया। तो घर में जाऊं कैसे, दरवाजा तो मिले, तो यहां तो तुझे घर में जाने की विधि बता दूं एक बार, कि घर में जाएगा जांच करने के लिए, तो जो ज्ञान खिड़कियों से बाहर देखता था, घर के अंदर ही वह आदमी था, सिर्फ खिड़कियों से बाहर देखता था, और उसने खिड़की बंद करके फिर जो देखा वो अपने घर को देखा। ऐसे ही ये पांचों इंद्रियों से ज्ञान जो हो, और वही ज्ञान फिर अंतर में अपने को जानता है। ये चैतन्य परमात्मा ऐसी ध्रुव की मस्ती है, ये परम धर्म है। ऐसा दृढ़ ज्ञान में जाग करके देखो तो पता चलता है कि ज्ञान ही ज्ञान है। उसको खोजा, अंदर देखा, तो मृत्यु बस। खिड़की बंद हो गई, अब खिड़की से जो नदी बहती दिखाई देती थी, अब वो नहीं दिखाई देती। तो नहीं दिखाई देती उसका मतलब ये नहीं कि नदी नहीं बहेगी। तुमने अपने घर की खिड़की को बंद कर दिया, वो बहती रहेगी, फिर सूख जाएगी, फिर नहीं बहेगी, ये होगा, वो जो होगा सो होगा। तो ऐसे ही जैसे वो ज्ञान को अंतर्मुख किया ना, तो बाहर में सब कुछ दे, और यहां तक कि विकल्प जो राग द्वेष के हुए ना, कोई तुझे पूछे ना, ऐसा अंदर से तुझे, ऐसा अंदर से ही ज्ञान दीपक, ऐसा भाव आना चाहिए तुझे, ऐसा कर भगवान, कोई तुझे कहे ना, तेरा इस जगत में कौन मित्र है, कौन शत्रु है? तू बोले मेरा कोई मित्र शत्रु है ही नहीं, मैं नहीं जानता कोई मित्र है, मेरी लिस्ट में कोई मित्र नहीं है, मेरे लिस्ट में कोई शत्रु नहीं है, चेक करो मेरी लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर कोई मित्र शत्रु दिखाई देते हो तो? ऐसा हो तो तुझे अंदर से कैसा लगता है कि मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है?
मगर जब तो कोई तुझे पूछे नहीं, तो तू अंदर से बता देना चाहिए कि मेरी लिस्ट चेक करो। इसमें तो हो, इसमें तो मित्र शत्रु नहीं, इसमें राग का द्वेष का वो मित्रता वाला जो भाव है वही मेरे लिस्ट में नहीं है। तेरा कौन मित्र है? चलो, तो मेरा कोई मित्र नहीं, ऐसा नहीं। ये मित्रता ही मेरी नहीं, शत्रुता ही मेरी नहीं। इस लिस्ट में देखो तो यहां पर तो इंद्रियों के माध्यम से जगत को जानना वाला जो ज्ञान है, ये पीला ऐसा जो आंख के निमित्त से जो जानन है, ये मीठा ऐसा जो जीभ के निमित्त से जानन है। तो लिस्ट चेक करता है अंदर में, और उस लिस्ट को चेक करके ये देखता है कि इस लिस्ट में ज्ञान तो है, जो मेरी लिस्ट में ज्ञान है, मगर मेरी लिस्ट में जीभ से मीठा ये जानने वाला ज्ञान, ऐसा ज्ञान मेरी लिस्ट में नहीं है। हे ज्ञान दीपक, ये दिव्य ध्वनि है भगवान, ये मध्य रात्रि में खेलती दिव्य ध्वनि। हे चैतन्य परमात्मा, कैसा सूक्ष्म भाव है मेरी लिस्ट जो है मेरे पास में, जो ये जो सूची बनाई है उसके अंदर तो बस अपना वैभव है, मगर क्षयोक्षम ज्ञान का ऐसा वो पराया धन मेरे पास में नहीं है। यहाँ उसके लिए अंदर में नो एंट्री, यहाँ प्रवेश निषेध है। किसके लिए मालूम है? यू जस्ट फील, उस ज्ञान को ऐसा फील कर। एकाधि बिरला ऐसा है जो ये समझता है। जब ये मैं कहता हूं कि जस्ट फील इट, तो नो एंट्री कहते ही आंख से दिखाई दिया, तब तू ही अपनी आंख खोल दे और देख। तो तेरे घर में, तेरे कमरे में जो भी पदार्थ तेरी आंखों से दिखाई देते, उन्हें देख। तो पंखा दिखाई दिया, छत दिखाई दी, ऐसा मत देखना कि पंखा छत, ये पंखा, ये पता चला जो ज्ञान पंखा है, ऐसा जो ज्ञान उसने किसका अवलंबन लिया? आग के पास में गया, वो आग के पास गया। और आप क्या अवलंबन लेकर के, ये जो जाना, ये पंखा दोस्तों, ये जो हुआ ना, उस ज्ञान को, वो जो जाना ये पंखा है, ऐसा जो जाना है, उस ज्ञान के लिए मेरी ये ध्रुव की ध्रुवता जो अंदर में खजाना है, मेरा वैभव वहां उस चैतन्य महल के अंदर, उस ज्ञान के लिए प्रवेश निषेध है। कौन से ज्ञान के लिए? ये पंखा है ऐसा जानना हो गया, उसका मेरे चैतन्य महल में प्रवेश नहीं है। तो तू पंखा नहीं, पंखे को जानने वाला भी नहीं रहता, उसको कहते हैं तू ध्रुव है। ओ। ऐसा है प्रभु, भगवान कैसी सूक्ष्म बात है। इसके लिए ये इंद्रियों से और तुझे दूर जाने की जरूरत कहाँ है? आंख खोलने की जरूरत कहाँ है? इधर उधर टहलने की जरूरत कहाँ है? तो सुन रहा है ना, उस समय ये सुनते समय भी, अभी जो तुझे ज्ञान हो रहा है उसमें ही तो ये भेद जान ले, ये जो ज्ञान हो रहा है उसमें ही भेद जान ले। ये शब्द को जो कान से ये जानना हो रहा है, हे ज्ञान दीपक, तू ज्ञान दीपक है ऐसा जाना, तो उस ज्ञान का चैतन्य महल में प्रवेश नहीं है। जो ज्ञान कान
कान का अवलंबन लेकर के जानता है। Then you will realize just knowledge. There is no superficial knowledge. There is no revealed knowledge. There is just knowledge, just consciousness. चैतन्य ऐसा है भगवान। इस भाव के साथ में ही हे चैतन्य परमात्मा तू विश्राम कर, अब तेरी आखिरी रात आज की रहेगी या नहीं रहेगी, आज तू हे पानी तू पात्र में से बाहर निकलेगा, आज आखिरी रात है, ऐसा कोई उस पात्र को कहे, उस पानी को कहे जिस पानी का पात्र के साथ योग ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जब इस ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हुई तो पात्र ही नहीं रहा, पात्र नहीं रहा तो पात्र से निकलना नहीं रहा, पात्र से निकलना नहीं रहा तो आखिरी रात कहाँ रही, वहां तो अनंत जीवन मिल गया। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ओ हो, बस ऐसा ही है। ओ हो, ये खेल है बस, यहाँ तो ऐसा खेल है, यह हमारा खेल निराला है। मदारी डमरू बजाता है और बुलाता है और सांप दिखाता है और भेज देता है सबको। हम तो तुझे आज की रात आखिरी रात कह के बुलाते हैं, ये डमरू बजाते आजा आज की रात आखिरी रात, और उस ध्रुव को दिखाकर तुझे भेजते हैं जिस ध्रुव की कभी आखिरी रात होती ही नहीं है, वो ध्रुव ही तू है भगवान। ये ज्ञान दीपक, ऐसी ध्रुव के आनंद का भोग कर तू, आनंद का भोग, आनंद का भोग। कोई आखिरी नहीं है, कोई अव्वल नहीं है तो आखिरी कैसे होगा, कोई प्रथम नहीं है तो अंतिम कैसे होगा। यहाँ अनादि है पर अनंत है, आखिरी है ही नहीं। इस लोक में ही तेरा वास भगवान, बस अनंत अनंत प्रार्थना भावना भाव को समझना भगवान, तो इसका बहुत 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 सूक्ष्म भाव है। ज्ञान के लिए भी नो एंट्री, ऐसी सत्ता ही ये चैतन्य है। अभी 2 मिनट में एक काम करना, सोने से पहले जब तू अभी तेरा मोबाइल लैपटॉप जो भी साधन जिससे तू सुन रहा है
जब तू उसे बंद कर देगा, फिर बेड पर तुरंत जाना और लेट जाना, अपने हाथ खाली सीधा ही लेट जा, सोने की तैयारी और फिर आंखें बंद करके बस एक भी परमाणु को इस ज्ञान के प्रदेशों में प्रवेश करने के लिए अवकाश नहीं है। ऐसी सत्ता में ये दे तुम रहो तुम्हारे प्रदेशों पर और हम चले अपने प्रदेशों में। ऐसा विचार करते हुए इंद्रियों को, इंद्रियों के रस को ढीला करता जा, बिना देह का ही अनुभव करता जा। ऐसे रात को सोना आज अभी सोएगा मैं, बस नींद आएगी तो आएगी, नहीं आएगी नहीं आएगी, वो शरीर शरीर का काम कर लेगा, उसकी चिंता मत कर। मगर बिना परमाणुओं वाला ये हाथ को देख तो भी, पैर को देखे तो भी, और जो अनुभव होता है उसमें ये कोई परमाणु है ही नहीं। मैं निहत था ऐसा चैतन्य, बिना हाथ का बिना हथियार का, ऐसा प्रयोग करके सोना, तेरी रात्रि मंगलमय हो, चैतन्यमयी हो। चैतन्य 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 ओ ओ